वही सब गाइस एक और बढ़िया थीम के साथ आ चुके हैं आज के इस वीडियो में वापस। FOS इसका जो नाम है इस थीम का, FOS इसका लिंक और सारा कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ग्रेडियंट यू ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं आपको टाइल्स में जो कलर्स है वो भी चेंज देखने को मिलेंगे, टाइल्स की शेप भी थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा थीम है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये थीम। इसमें काफ़ी अच्छे आइकन्स देखने को मिलते हैं, लाइक आपको स्टेटस बार के आइकन्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होम स्क्रीन में कुछ परसेंट तक आपको कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगी, आपको बस सिंगल टैप करना है यहाँ पे और आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे विजेट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से स्टाइल्स हैं अलग अलग जिन्हें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको बस वन क्लिक करना है। आपके पास काफ़ी सारे स्टाइल्स अवेलेबल है और आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छे आइकन पैक देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जितने भी आइकन्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से थीम्ड है, लेकिन जो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी कि आपके जो डिवाइस की फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखाता हूँ लाइक दिस। अब जैसे इसको करेंगे आप देखेंगे आपकी डिवाइस की फ्लैश लाइट ऑन, यानी आपको उसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये थीम। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी UI मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इस थीम को यहाँ पर इंक्लूड किया आज के इस वीडियो में। बाकी सब चीज़ें इस थीम में ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जैसे ही बात करेंगे इस थीम के सेटिंग्स वगैरह की UI की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी थीमिंग आपको सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सेटिंग्स के जितने भी लेफ्ट साइड के आइकन्स हैं वो आपको थीम देखने को मिलेंगे। कलरफुल आइकन्स देखने को मिलेंगे और थोड़े से डार्क कलरफुल वैसे देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे इसको ज़्यादा ट्राई करना आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं। मुझे इसमें जो सबसे अच्छा लगा वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, इसकी होम स्क्रीन की विजेट्स। उसके अलावा इस थीम में कंट्रोल सेंटर की अच्छी लुक के अलावा इतना कुछ खास तो नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको ये थीम पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इसके जो डायलर पैड है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत थीमिंग देखने को मिलेगी अगर आप MIUI डायलर यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप गूगल डायलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ऐसी थीमिंग आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में बहुत सिंपल सी UI है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी शेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी होम लॉक स्क्रीन की क्लॉक में, लेकिन जैसे आप स्वाइप राइट करेंगे आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। जो टॉगल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपके पास टॉगल्स अवेलेबल है। जो होम स्क्रीन पर विजेट्स थी वो अवेलेबल है और ये जो टॉगल्स है वो सभी काम भी कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इस थीम के बारे में। आप देखेंगे सभी टॉगल्स काम कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपके पास ब्लूटूथ ऑन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो हमने अभी ट्राई करा। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर साइलेंट मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा थीम है। अगर ये थीम आपको ट्राई करना है तो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे, आप इस थीम को अपने डिवाइस में इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका थीम स्टोर का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, MTZ फाइल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जहाँ से आप इसे अप्लाई करना चाहें आप वहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस थीम का नाम क्या है जो आप अगर सर्च करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका नाम है FOS जो कि नॉर्मल सा इसका नेम है, तो आप सर्च करेंगे। इसके जो डेवलपर हैं वो है जीशन खान। काफ़ी सिंपल है, अब इसे डिवाइस में अप्लाई करिए, यूज़ करिए और अगर आपको थीम पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस यही सब था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। गुड बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.